तुम लोग तो साड़ी लेके आने वाले थे ना, ये क्या है? और ऐसी घटिया डाउन मार्केट डिजाइन दिखा रही हो तुम मुझे? अरे इज्जतदार घरों में ना ऐसे ही ढका छिपा डिजाइन चलता है। आप जो जो खुला खुला पहने ना हवादार डिजाइन वाला ब्लाउज, ये सब नहीं चलता हमारी सोसाइटी में। What nonsense? क्या खराबी हमारे ब्लाउज के डिजाइन में? आपकी ये डिजाइन ना आपको ही मुबारक, हमने जैसा दिखाया है हमको वैसा ही डिजाइन चाहिए, वैसी ही कटिंग चाहिए। तुमको हमसे कटिंग चाहिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? बाहर निकलो यहाँ से। आप सब शांत हो जाइए। आप मालती जी और गायत्री जी हैं का? जी। अरे हम रंजू मिश्रा हैं, हमसे ही आपके फोन पर बात हुई थी। ये रंजू नहीं है। पर गलती आपकी नहीं है, थोड़ी सी गलत फहमी होगी, ये लोग हमसे मिलने आए हैं। आज जो भी गलत फहमी हुई है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। आप चलिए हमारे साथ। अब ये जो अपने आप को इतना स्पेशल समझती हैं, तो काहे को घर किराए पे दे के रखी हैं? अब आने वाले को धोखा होएगा ना। इसे लेके जाओ अभी सी वक्त। आप चलिए ना, चलिए हमारे साथ, हम आपको डिजाइन दिखाते हैं। आइए आइए। बदतमीज कहेगी। हम ना आपसे भी माफी मांगते हैं, वो जो कुछ भी है वो आप उसे भूल जाइए। अच्छा तो ये है आपका नया सेंटर? हाँ हाँ। अब नजमा उन्हें वो डिजाइन वाली बुक दिखाना, आपको इसमें जो डिजाइन पसंद आएगा ना हम वैसा का वैसा बना देंगे। लो लो। हाँ। ये देखिए ना, आपके पास सिर्फ एक ही वर्कर है क्या? नहीं नहीं और आ रही है। आप डिजाइन देखिए ना। देखिए ऐसा ही कुछ डिजाइन चाहिए हमको। ऐसा कुछ का है? हम सेम टू सेम यही डिजाइन बना के दे देंगे आपको। चलिए अच्छा है। वो बाहर मैडम से मिले ना तो हमें लगा पता नहीं कौन से अंग्रेजी डिजाइन सेंटर में हम आ गए, लेकिन आपको देख के एकदम तसल्ली हो गया कि हमारा काम बहुत ही बढ़िया होगा। आप ना काम को लेकर टेंशन ना लीजिए, हम आपको समय पे डिलीवरी देंगे और बढ़िया काम करके देंगे, बस आप निश्चिंत रहिए। और इससे अच्छा क्या है? भागो लाली की सुंदर देखाचे तोके, सत्यि बोलछि दीपिका वाला साड़ी में ना तुम बहुत सुंदर दिखता है, दीपिका से भी जास्ती सुंदर दिखता है। ये कलर मरून कलर है ना? मम्मी मरून नहीं, मरून कलर, मरून। हाँ ठीक है, किंतु ये क्या है? मरून मतलब, तुमसे किसी ने पूछा? चुप रहो। मरून मतलब डार्क शेड कलर होता है मम्मी। जाओ तुम लोग। थैंक यू वेरी मच। लाली अमर कथा सुन, ये रंजू ना हम दोनों पर बहुत भारी पड़ रहा है। हमने नोटिस किया रोज रोज हम लोग दोनों ना बेइज्जत होता है। हमको तो डर है लाली कि तुम्हारा किटी पार्टी में भी ना रंजू कोई ना कोई तमाशा जरूर करेगा। मम्मी किटी पार्टी में तमाशा वो नहीं करेगी, हम करेंगे। मम्मी एनिवर्सरी की पार्टी में क्या होता पता है ना? निर्मला को देखकर बुलबुल ने तमाशा किया था। हमें लगा था गुड्डू जी इन सबको घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन गुड्डू जी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि रंजू ने बड़ी चालाकी से अपनी बेटी से माफी मंगवा ली। इस बार किटी पार्टी में भी निर्मला आ रही है। बुलबुल है बारूद, निर्मला माचिस। अब देखते हैं कितना बड़ा धमाका होगा।